सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा कि किसी भी अननोन स्पीकर का वॉटेज कैसे निकालें, ये टॉपिक बहुत रेयर है। मैंने काफ़ी यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, मुझे ये टॉपिक नहीं मिला और मैं इस टॉपिक पे बहुत दिन से वर्क कर रहा था कि यार किसी भी ट्रांसफॉर्मर किसी भी स्पीकर का वॉटेज कैसे निकालें। तो फाइनली वो मुझे मिल गया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए पहले तो आप तीन सामान आप इकट्ठा कर लो। पहला जो है हमारा मल्टीमीटर, जो कि ज़रूरी है। दूसरा आपको चाहिए होगा दो गाने, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक 50 हर्ट्ज़ का टेस्टोन है और एक डीजे बीट वाला एक सॉन्ग है। तो वो तीन चीज़ें दोनों डाउनलोड कर लो, फिर इसके बाद मल्टीमीटर। तो इसके बाद की क्या प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देर ना करते हो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले हमारे पास देख लो ये एक स्पीकर है, ये वूफर वाला है, ठीक है। देख लो, चाहे इसमें आपको कुछ भी प्रिंट नहीं दिख रहा है, स्क्रैच है, ये पहले से ही ऐसा था, ठीक। और एक ये स्पीकर है, इसमें भी देख लो कोई वॉट वगैरह कुछ भी नहीं मेंशन है, ठीक। तो ये हो गया स्पीकर आपका। तो कोई भी स्पीकर ले लीजिए, जैसे कि ये मैंने ये वाला वूफर वाला लिया है। वैसे सबसे पहले हम लोग अपने स्पीकर का रेसिस्टेंस या ओम निकाल लेंगे। तो उसको निकाल लेंगे, उसको निकालने के लिए पहले मल्टीमीटर को ये 200 पे मैंने कर दिया है, ठीक। अब इसके बाद वैल्यूज़ की देख लेंगे कितनी आ रही है वैल्यू, मतलब इसमें एरर तो नहीं है आपके मल्टीमीटर में। देखो जैसा कि 1.7 दिखा रहा है। ये चीज़ आपको बताने से पहले एक चीज़ बता दूं, कोई भी आप स्पीकर नॉर्मल साइज़ का लोगे तो उसका 4 ओम तो रहता ही रहता है। इनमें से आप चाहे जो ले लो, ये हो चाहे ये हो, सभी का देखो। ये वैसे तो ये मेरा कंपनी का था, 4 ओम देखो लिखा हुआ है, FND कंपनी का है, 4 ओम है, 15 वाट तो इसमें मेंशन है क्योंकि ये कंपनी का है। और लोकल वाले बस ऐसे पर्दा बना के ऐसे केवल लगाते हैं और बेच देते हैं, उनको इतना ताम झाम नहीं करना पड़ता, लेकिन कंपनी हम लोगों को इतना चीज़ प्रोवाइड कराती है। तो आपका अगर इसमें वैल्यू ज़्यादा आता है तो कोई चिंता मत करना, 4 ही ओम रहता है। वैसे देखो 5.4 के आसपास दिखा रहा है। आपको लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं है, तो हम एक रेसिस्टर चेक कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये देख लो, ये 1K का है, ब्राउन ब्लैक रेड है। इसको आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो 1K आएगा, ठीक। लेकिन अब इसको 1K करने के लिए 2000 पे करेंगे अपना मल्टीमीटर। 1K यानी कि 1000 ओम का है हमारा रेसिस्टर। ये देखो इसमें एरर आ रहा है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो ये 4 ओम का है, ठीक। अब आपको लग रहा हो कि वाटेज में तो नहीं एरर आएगा, नहीं उसमें एरर नहीं आएगा, इसमें एरर आएगा, ठीक। आपका अगर मल्टीमीटर सही होगा तो उसमें नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है सबके में आए। बैटरी लो भी है, इस कारण से भी कभी कभी चांस हो जाते हैं कि आपका मल्टीमीटर गलत वैल्यू दिखाता है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एम्पलीफायर लेना है। एम्पलीफायर को आपको अपना जो स्पीकर का वॉट निकालना है उसको जोड़ना है उससे, माइनस माइनस प्लस प्लस में, ठीक। अब इसके बाद एक जो गाना मैंने दे रखा है, जो 50 हर्ट्ज़ वाला नहीं, जो दूसरा गाना है, ठीक, उसको प्ले करना है। प्ले हो गया था तो प्ले करना है। प्ले करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ाना है और जहाँ तक उसकी आवाज़ ना फटे वहाँ तक उसको लेके जाना है, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप पूरा वैसे तो दे दो, लेकिन स्पीकर कुछ देर बाद जल जाएगा, फिर वो मेरी गारंटी नहीं होगी। और पीछे हाथ आपको लगाए रहना है कि अगर कॉइल अगर गर्म हो रही है तो उसको वहीं पर रोक दो, ठीक। तो गाना हम प्ले करेंगे और धीरे धीरे वॉल्यूम इनक्रीज करेंगे। इसमें देखो धीरे धीरे आवाज फट रही है, ठीक। अब इससे ऊपर करेंगे तो आवाज फटने लगेगी। ये हो गया फर्स्ट टेस्ट। अब वॉल्यूम को वहीं पे छोड़ देना है। अब अपना मल्टीमीटर को जोड़ना है,
जहाँ से आउटपुट निकला है, स्पीकर जहाँ पे आपने जोड़ा है वहीं पे आपको प्लस प्लस में, जो रेड प्रॉप है वो वाली प्लस में, और माइनस वाली ब्लैक में एज इट इज़ उसी के साथ पैरेलल जोड़ देना है, ठीक है। अब मल्टीमीटर को लेना, उसको एसी पे 200 पे करना है, एसी पे ही करना है, डीसी पे नहीं। अब जो सेकंड वाली बीट दी है हम 50 हर्ट्ज़ वाली टेस्ट टोन, उसको प्ले करना है। जैसा कि ये प्ले कर दिया, अब देखो वैल्यू क्या दिखाता है, ठीक, ये लगभग 4.8 के आसपास है, ठीक। तो एग्जाम एग्जैक्ट ये 4.8 है, तो इसको नोट कर लेना है, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक। तो जैसे कि R मैंने 4 ओम लिख रखा है पहले से, और V ये हो गया, ये था लगभग 4.8 था, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, देखो किसी भी वैल्यू मतलब लेने के लिए दो वैल्यू चाहिए होती है, R तो आप कोई भी निकाल लेगा, ये कोई नहीं, यही का मेन ही ज़रूरत है V का। तो अब इसके बाद क्या करना है, एक फॉर्मूला है P निकालने के लिए, यानी कि वाट निकालने के लिए, ठीक। जैसे कि मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो उसको देखते आना, इसको V का स्क्वायर अपॉन R, ये होता है फॉर्मूला P निकालने के लिए, ठीक। V स्क्वायर का मतलब 4.8 इंटू 4.8 और ये 4 ओम, ठीक। ये वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कुछ आएगा 5.76 वाट। तो यानी कि ये जो स्पीकर है आपका 5.6 वाट का है, ठीक। और अगर इसमें आपको करंट चाहिए, यानी कि आई निकालना है, एम्पियर कितना करंट इसमें दें, तो आई निकालने के लिए आपको कर देना वी अपॉन आर, ठीक। वी अपॉन आर कर देने के लिए आपको चाहिए 4.8 जो वैल्यू है, और फिर नीचे 4, ये कुछ वैल्यू आएगी आपकी 1.2 एम, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसी तरीके से हम इसका निकाल लेंगे, ठीक। मैं डायरेक्ट निकाल के वैल्यू दिखाता हूँ, दूसरे वाले का निकाला, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखो दूसरे वाले का कुछ इस तरीके से 6.5 वाट निकला, पहले वाले का 5.76 वाट, लगभग वो 6 वाट के आसपास का है, और इसको लगभग आप 6.5 या 7 तक आप अराउंड दे सकते हो, ये अच्छा खासा ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 6.5 एज अ मैक्स रखना, 6 लो ही रखना, क्योंकि ज़्यादा पे हो सकता है ये स्पीकर आपका जो ये है ना जल जाएगा। तो ये टॉपिक यही पे था, आई होप आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। मैंने काफ़ी वीडियो पे सर्च किया था लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला, तब मुझे लगा कि यार इस पे वीडियो बनाना चाहिए। जैसा कि मैंने ट्रांसफॉर्मर को भी देख के ही बनाया था, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला था, तब मैंने उस पे उसका एम्पियर कैसे निकालते हैं तो उस पे वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये दोनों सॉन्ग आपको डाउनलोड करना कंपलसरी है, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते वैल्यू, खासकर 50 हर्ट्ज़ वाली बीट। तो जैसा कि प्रोसेस किया वैसे ही आपको करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखना, मैं अपने व्यू नहीं बढ़ाने कर रहा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो भाई फिर से तो देखना पड़ेगा ना। वैसे कमेंट करोगे
तो शायद मुझे ना समझ में आए आपकी बातें, आप क्या कहने चाह रहे हो। तो वीडियो को एक बार अगर नहीं समझ आता तो फिर से देखना। आई होप आपको पसंद आया हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।